Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss next questions of exercise 8.2 of chapter 8 comparing quantities of class 7. So question 7 statement is, out of 15,000 voters in a constituency 60% voted, find the percentage of voters who did not vote. Also find how many actually did not vote, which means total voters 15,000 given है, जिनमें से 60% ने वोट दिया है. हमें percentage of voters find करनी है जिन्होंने वोट नहीं दिया. Also find how many actually did not vote, और हमें ये भी बताना है कि कितने voters है जिन्होंने वोट नहीं दिया. उनकी percentage भी बतानी है और उनके numbers भी बताने हैं. So start करते हैं solution. Percentage of voters who did not vote. अब total 100 है और जिन्होंने वोट दिया है वो 60% है, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% आ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया. अब टोटल वोटर्स 15,000 थे, हमें नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करने हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया. नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, उनकी परसेंटेज पता है, टोटल पता है, तो 40% ऑफ 15,000 हम फाइंड कर लेंगे. तो हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करते हैं. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 40% है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में 15,000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आएगा 40 मल्टीप्लाई 150, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6,000. देयरफॉर नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट कितने होंगे, 6,000. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अ पर्सन सेव रुपीज 3,600 फ्रॉम हिज सैलरी. अब सैलरी में से 3,600 पर्सन ने सेव किए हैं, इफ़ इट इज़ 20% ऑफ हिज सैलरी. अब जो सेव किए हैं वो है 20% उसकी सैलरी के, हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी है. तो हमें जो फाइंड करना है वो हम लेट करते हैं, लेट हिज टोटल सैलरी एक्स रुपीज़. अब उसने सेव कितने किए, 3,600, ही सेव्स 3,600. सेविंग की परसेंटेज भी गिवन है 20%, देयरफॉर 20% ऑफ हिज सैलरी इक्वल हो जाएगा 3,600 के, क्योंकि जो 20% है वो उसने सेव किए हैं. अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज को अगर हम हटा दें, डिवाइड में 100 रहेगा, ऑफ का मीनिंग यहाँ होगा मल्टीप्लाई. तो अब 20/100 है, राइट साइड जाएगा तो 100/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होगा और 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी. अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और 2 के टेबल पर इन्हें कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10. अब यहाँ पर बचा है हमारे पास 3,600 मल्टीप्लाई 5, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 आ जाएगी उसकी सैलरी. देयरफॉर हिज टोटल सैलरी इक्वल्स टू रुपीज 18,000. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 15. हमें बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 15, यानी कि 60 का कितना परसेंट 15 होगा. देयरफॉर स्टार्ट करते हैं, अब इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे. अब यहाँ पर हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय टोटल, यानी कि 60 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा 15/6 × 10, कैंसिल कर देंगे इसे, यहाँ पर 2 3 जा 6 2 5 जा 10. अब 3 जो बचा उसको 15 वो भी कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 25%. नाउ ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 10, अ स्कूल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन अ मंथ. अब स्कूल क्रिकेट टीम ने टोटल 20 मैचेस प्ले किए एक मंथ में, इट वोन 60% ऑफ देम, और जितने उन्होंने मैच प्ले किए उनमें से 60% उन्होंने वोन किया है. हाउ मैनी मैचेस डिड इट लॉस, अब हमें ये बताना है कि उन्होंने कितने लॉस किए. अब परसेंटेज तो गिवन है जो वोन किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मैचेस जो उन्होंने वोन किए हैं वो फाइंड करते हैं. अब जो मैचेस वोन किए हैं वो है 60% ऑफ टोटल, यानी कि 60% ऑफ 20, परसेंटेज हटाएंगे डिवाइड बाय 100 रहेगा, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा. ये है मैचेस वोन, लेकिन हमें तो जो लॉस किए हैं वो फाइंड करने हैं, जो मैचेस लॉस है, यानी कि टोटल कितने थे, 20 थे, 20 में से जो उसने वोन किए थे वो थे 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे, 8 मैचेस उसने लॉस किए हैं. तो इस तरह से हमने यहाँ मैचेस जो लॉस किए हैं वो फाइंड किए, और पहले हमने मैचेस वोन फाइंड किए, देन हमने मैचेस टोटल में से माइनस करके लॉस फाइंड किए. देयरफॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड
अप टू 10 क्वेश्चंस, यानी कि हमने आज क्वेश्चन 7 to 10 क्वेश्चन डिस्कस की एक्सरसाइज 8.2 के। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।